नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पर। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच में आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर के। तो आज हम जो विषय लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में, आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वह है सपने में नदी देखना। जी हाँ दोस्तों, नदी एक बहुत ही पवित्र चीज होती है। जब भी हम अगर कुछ भी होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है या तो फिर कुछ भी हमें दाह संस्कार करना होता है तो हम नदी का इस्तेमाल करते हैं। तो नदी की अगर बात करें तो हमारी गंगा नदी बहुत ही फेमस है, बहुत ही पवित्र नदी है पूरे संसार में। तो आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे कि कोई भी जातक के सपने में नदी देखता है तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके क्या स्वप्न फल होंगे, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से, उसके बाद में आपको एस्ट्रोलॉजिकली यानी कि भविष्य रूप से आपको इसकी मीनिंग बताऊंगा। तो साइकोलॉजिकली जब भी हम सपने में नदी देखते हैं तो नदी का बहता हुआ पानी साफ और बहुत ही अच्छी अवस्था में अगर नदी आप देखते हैं तो यह सपना जो होता है इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अपनी टारगेट अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही शांत माहौल में आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और वही बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में नदी देखना एक बहुत ही शुभ सपना माना गया है। स्पेशली करके जब भी अगर आप शुद्ध जैसे कि जो पवित्र नदी है जैसे गंगा हो गई यमुना, तो अगर ऐसी नदियाँ अगर आप देखते हैं सपने में तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला यह सपना होता है। यह सपना बताता है कि निकट भविष्य में आपको बहुत ही यश और कृति की प्राप्ति होगी, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। यदि कोई जातक सपने में देखता है कि वो नदी में नहा रहा है तो यह सपना जो होता है बताता है कि निकट भविष्य में उसके जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्याएं थी, जो भी हेल्थ इश्यू था बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है और बंदा बहुत ही अच्छे रास्ते पर होगा आने वाले समय में। यदि कोई जाता सपने में देखता है कि नदी में डूब रहा है तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, यह भी एक अच्छा सपना होता है। यह सपना बताता है कि अगर कोई खास करके कोई अगर रोगी व्यक्ति यह सपना देखता है तो यह सपना बताता है कि उसके जो भी रोग थे, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स बहुत सालों से चली आ रही थी, अब जल्द ही उसको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि ऐसी रोचक जानकारी उन्हें भी मिलती रहे।